कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रोहलकुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे आमीन रसूलों के अकीदे में से जिसे हम अपने ईमान के इकरार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम अपने मसीही ईमान के बुनियादी निकात सीख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ द क्रिश्चन फेथ कुछ बातें हम पहले सीख चुके हैं जैसे कि खुदा कादर मुतलक प है और उसी ने ये सारी कायन बनाई है एक मकसद इरादे के तहत बनाई है और यस्ु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और यस्सु मसीह खुदावंद है और यस्सु का लासानी तजस्म नबियों की पेशीन गोइयों या नबोबतों की तकमील है ये पांच निकात हमने पिछले हफ्तों में सीखे और आज मसीही ईमान के बुनियादी निकात में से छठा छटा कि यस्सु मसीह ने जमीनी जिंदगी में दुख उठाए जीसस क्राइस्ट सफ़र्ड इन हिज अर्थली लाइफ सो यस्सु मसीह का दुख उठाना द सफरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आज हम इस पे बात करेंगे हम खुदांदु मसीह की बाबत ये ईमान जाहिर करते हैं उसका इकरार करते हैं कि वो खुदा का बेटा है इकलौता बेटा हमारा खुदामंद है यसु मसीह उसका नाम है जो कुद्स की कुदरत से कुमारी मरियम से पैदा हुआ और उससे अगला नुक्ता हमारे ईमान का उसने पौती पिलातुस के अहद में या हुकूमत में दुख उठाया जब हम इस जुमले का बयान करते हैं जब हम इस ईमान का इकरार करते हैं तो हम यह जाहिर करते हैं हमारा ईमान है कि यस्सु मसीह ने रोमी हुकूमत के तहत दुख उठाए खुदामंद यसु मसीह जब इस जमीन पर जन्मा जवान हुआ रोम की हुकूमत थी जब हम पोंतीस पिलातूस का जिक्र करते हैं तो हम रोमी गवर्नर का नाम लेते हैं जिसके अहद में जिसकी हुक्मरानी के तहत खुदावंद यस्सु मसीह पर मुकदमा चला हम गवाही देते हैं कि यस्सु मसीह रोमी हुक्मरानों के तहत रोमी हुकूमत के मातहत था जब उस पर जुल्म हुआ जब उसने दुख उठाए और हम इससे इस अपने ईमान के इस हिस्से का इजहार करते हैं कि यहूदी सरदारों ने सु मसीह को रोमी हाकम के हवाले किया रोमियों को कोई तकलीफ नहीं थी खुदा यस्सु से बाइबल बताती है कि यहूदी सरदारों ने फकीहों ने फरीसियों ने सरदार काहिनों ने सलाह की इकट्ठे हुए इससे जान छुड़ाए उन्होंने प्लानिंग की यसु को गिरफ्तार किया और फिर उसे रोमी हाकम के हजूर पेश कर दिया कि तू ही इसे मार हम मौत की सजा नहीं दे सकते हम तेरे पास इसे लाए हैं कि तू इसे मौत की सजा दे जब हम ये इकरार करते हैं कि उसने पौती उस पिलातूस के अहद में दुख उठाया तो हम यह जाहिर करते हैं कि पिलातूस हाकम भी यस्सु मसीह में जुर्म ना पा सका कुडंट फाइंड फॉल्ट इन जीसस इकरार करता है एक बार नहीं कई बार उसने कहा मुझे तो इसमें कोई बात नजर नहीं आती जिससे इसे सजाए मौत दूं इसने कुछ ऐसा जुर्म नहीं किया कोई इस पर जुर्म साबित नहीं होता जिसमें तुम चाहते हो कि इसे मैं मौत की सजा दे दूं अदालत उसमें कोई गुना तलाश ना कर सकी और हम यह भी इकरार करते हैं कि यस्सु को सजा दिलवाने के लिए पिलातूस पर दबाव डाला गया उसे धमकाया गया ब्लैकमेल किया गया अगर तू इसे सजाए मौत नहीं देगा तो हम शहनशाह से कैसर से तेरी शिकायत कर देंगे क्योंकि यह अपने आप को बादशाह कहता है और कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं अगर तू इसे छोड़ देगा तो हम उसे शिकायत लगाएंगे कि तू शहनशाह का मुखालिफ है तू कैसर बादशाह के खिलाफ है और तू इसकी बादशाही की हिमायत कर रहा है और फिर वो तुझे सजाए मौत दे देगा तू मुजरिम बन जाएगा यहूदी सरदारों ने कौम को उकसाया दबाव डाला और फिर पिलातुस वो दबाव बर्दाश्त ना कर सका हम अपने इस ईमान का इजहार करते हैं उस जुमले में कि पिलातुस ने यस्सु को सलीब दिए जाने का हुक्म जारी किया यह सबसे गलत फैसला जो वह खुद कई बार कह चुका कि मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता कोई गुनाह नहीं इसका साबित होता मैं क्यों कर इसे सजा दूं? चलो तुम तुम्हारे खुशी के लिए मैं इससे कोड़े लगवा देता हूं और यसु मसीह गैर रोमी था वो एक यहूदी था रोम की शहरियत नहीं थी उसके पास जैसे हम बहरेन में रहते हुए पाकिस्तानी हैं हमारे पास बहरीन की नेशनैलिटी या सिटीजनशिप नहीं है तो हमें बहरीनी वाले सारे हकूक हासिल नहीं हैं खुदावंद यसु मसीह जिस इलाके में जिस खित्ते में जिस मुल्क में रहता था उस पर रोमियों की हुकूमत थी और जिसके पास रोमी शहरियत रोमी नेशनैलिटी होती उनके साथ सलूक अलग होता था उनके हकूक अलग थे यसु के पास रोमी सिटीजनशिप नहीं थी वो एक यहूदी था तो उसे सख्त सजा कोड़ों की सूरत में भी दी गई रोमियों के लिए था कि उन्हें चालीस कोड़े नहीं लगाए जा सकते एक कम चालीस इसलिए पोलूस भी लिखते हैं कि मुझे एक कम चालीस कोड़े लगे क्योंकि उसके पास रोमी नेशनलिटी थी लेकिन यस्सु के पास नहीं थी इसलिए यस्सु को कम अज कम चालीस कोड़े कम अज कम और ज्यादा भी हो सकते हैं लिखा नहीं बाइबल में लेकिन तारीख बताती है कि जो रोमी नहीं होते थे उन्हें कम अज कम चालीस कोड़े लगते थे तो यस्ु को कोड़े लगवाए मरवाया में उड़ाया बहुत दुख दिया कांटों का ताज भी सर पे पहनाया और कहा चलो ठीक है अब खुश हो सारा जिस्म छल नहीं कर दिया मैंने अब खुश हो नहीं इस पे भी खुश नहीं है तू सलीब ही दे इसे फिर वो हाथ धो के कह देता मैं इसके खून से पाक हूं इसका खून तुम पर तुम्हारी गर्दन पर मैं इससे बरी हूं लेकिन वो फैसला लिख के दे देता है कि इसे सलीब दिया जाए हम एक जुमले में यसु मसीह के सारे मुकदमे का बयान करते हैं कि वो रोमी हाकम पिलातूस पौती उस पिलातूस के अहद में उसने दुख उठाया और पिलातूस ने उसकी मौत का फरमान लिखा हम ये भी ईमान रखते हैं कि यस्सु ने ना हक दुख उठाया कोई जुर्म नहीं था कोई खता नहीं की यस्सु ने शरीयत के मुताबिक भी और रोमी कानून के मुताबिक भी किसी तौर भी यसु मसीह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था उस पर मुकदमा नहीं चल सकता था उसे मारा नहीं जा सकता था उसे कोड़े नहीं लगाए जा सकते थे कोई सजा नहीं दी जा सकती थी लेकिन उसे ना हक मारा गया ना हक उसे जुल्म का शिकार बनाया गया तो हम एक छोटे से जुमले में इस हकीकत का बयान करते हैं कि यस्सु को ना हक मारा गया अनजस्टली जीसस सफर ही वास टॉर्चर्ड और हम ये ईमान रखते हैं कि यस्सू दुनिया की तारीख में एक फर्जी किरदार नहीं हकीकी शख्सियत हो गुजरा है हम पोंतीयस पिलातूस का नाम अकीदे में लेते हैं कि वो एक शख्स तारीख में साबित शुदा शख्स है जो हाकिम रहा जो गवर्नर रहा रोमी गवर्नर था वो हम अकीदे में उस शख्स का नाम लेते हैं जिसे तारीख साबित करती है कि वो उस जमाने में हुक्मरान था और उसने बहुतों को सलीब दिया था इससे इस जाहिर होता है कि यस्सु कोई फर्जी कहानियों का टार्जन और सुपरमैन और ही मैन और स्पाइडरमैन जैसा कोई ख्याली किरदार नहीं एक हकीकी शख्सियत है जो तारीख में गुजरा और हम इससे इसी मान का भी इजहार करते हैं कि यस्सू के साथ जो कुछ हुआ वह फर्जी नहीं था वो सिर्फ कहानी नहीं है वो ख्याली कहानी नहीं कि किसी ने घर दी सचमुच उस पर जुल्म हुआ सचमुच उस उसको सताया गया सचमुच उस पर मुकदमा हुआ सचमुच उस पर झूठे गवाह भुगताए गए सचमुच उसे कोड़े मारे गए उसे थप्पड़ मारे गए और उसे उसके मुंह पे थूका गया उसे घसीटा गया उसे बांधा गया उसकी दाढ़ी नोची गई उसके मुंह पे मारा गया उसको ठट्टों में उड़ाया गया सचमुच उसके साथ यह जुल्म हुआ यह फर्जी कहानियां नहीं हैं। इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाली बात भी नहीं है सचमुच उसके साथ जुल्म हुआ हम छोटे से जुमले में यह सारी बातें कह देते हैं जब कहते हैं कि उसने पिलातूस के अहद में दुख उठाया तो हमारे दिल में यह पूरी कहानी चल रही होती है कि उस पर जुल्म हुआ उसे ना हक मारा गया यहूदियों ने उसे हवाले किया और रोमी हाकम ने उसे पिटवाया और फिर उसकी सर उसे सलीबी मौत देने का हुक्म जारी कर दिया और यह बात जाहिर करती है कि यस्सु ने हकूमत का इख्तियार तस्लीम किया ने उससे यस्सु पर अपना रोब जमाने की कोशिश की तू नहीं जानता कि मुझे तेरी जान लेने का भी इख्तियार है और तुझे छोड़ देने का भी तो खुदामद यस्सु ने कहा कि अगर तुझे यह इख्तियार ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता और बाइबल में लिखा है कि खुदा की तरफ से हुकूमत कायम होती है खुदा हुक्मरान मुकरर करता है खुदा इख्तियार देता है हुकूमतों को खुदा की मर्जी के बगैर कोई हुक्मरान नहीं बनता खुदा यस्ु मसीह ने रोमी हाकम चाहे वो जालम था चाहे वो दबाव में आया चाहे उसने ब्लैकमेल होकर इतना गलत फैसला किया डर गया घबरा गया लेकिन यस्सु ने उसका इख्तियार तस्लीम किया कि तू हाकिम है तेरे पास पोजीशन है सरकारी हुकूमती है तेरे पास सो तेरा इख्तियार तस्लीम करना है तेरा इख्तियार है और मैं इसे तस्लीम करता हूं खुदा मुकर करता है बादशाह हुक्मरान ऑफिसर्स So, जो कोई भी हमारे ऑफिसर्स हैं सुपीरियर्स हैं हमारे आला अलादेदार हैं हुक्मरान हैं रूलर्स हैं हम उनका इख्तियार तस्लीम करें क्योंकि यस्सु ने इख्तियारत तस्लीम किए जब हम इजहार करते हैं कि वो पौतीस पिलातूस के अहद में उसने दुख उठाया तो हम यस्सु मसी के बारे में इस ईमान का इजहार करते हैं कि वह दुख उठाने वाला खादम है यह साया बाब नंबर तिरपन में पूरी तस्वीर पेश की गई है इस दुख उठाने वाले खादम की जिसे हमारी बदकिरदारी और हमारे गुनाहों और हमारी खताओं और हमारी गलतियों और हमारी सारी नाराजतियों की वजह से दुख सहना पड़ा हम यसु मसीह को दुख उठाने वाला खादम करार देते हैं कि हमारा ईमान है कि वो नबियों की पेशींदोई के मुताबिक दुख उठाने वाला खादम है और हम ये ईमान रखते हैं कि यस्सु ने खुद को दुखों के लिए पेश कर दिया कोई मजबूर नहीं कर सकता था यस्सु ने खुद कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी कोई मेरी जान मुझसे ले नहीं सकता मैं खुद देता हूं इसे इबन आदम इसलिए आया ताकि अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे अपनी मर्जी से उसने अपना आप पेश कर दिया उसने खादम की सूरत इख्तियार की अपने आप को खाली कर दिया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की वो अपने शागिर्दों से बार बार कहता आओ हम चलें यरूशलेम को जरूर है कि वहां इब्ने आदम बहुत दुख उठाए गैर कौमों के हवाले किया जाए ऊंचे पर चढ़ाया जाए और दफन और फिर जी भी उठे अपना आप उसने पेश किया रजा कराना तौर पर वॉलटेरली कोई मजबूर नहीं कर सकता था उसे यसु ने खुद अपना आप पेश किया अपनी मर्जी से बाप के साथ एक सलाह होकर खुदा ने ये सारे दुख खुद उठाए क्या जरूरत थी किसी की कि कोई यसु को हाथ भी लगा सकता यसु को गिरफ्तार करने के लिए आए तो बाइबल में लिखा है कि उसने पूछा किसको ढूंढते हो उन्होंने कहा यस्सु को तो कहा मैं हूं और सिर्फ ये अल्फाज अदा होने थे कि जितने पकड़ने के लिए आए हुए थे वो सब जमीन पर गिर गए क्योंकि उनमें इन दो अल्फाज को सुनने की बर्दाश्त ना थी उसके कलाम में कुदरत है जब उसने कहा मैं हूं तो इतना सुनना था वो गिर पड़े यस्सू को कोई पकड़ सकता था यस्सू ने खुद अपना आप हवाले किया कि पकड़ लो मुझे क्योंकि मैं इसीलिए इस दुनिया में आया हूं ताकि दुख उठाऊं और इसके जरिए हम अपने इस ईमान का इजहार करते हैं कि यस्सु ने हम नारास्तों की खातिर दुख उठाया वो दुख हमें सहना थे वो हमारे गुनाहों की सजाएं थी हमें मिलना चाहिए थी लेकिन यस्सु ने सही है हमारी जगह वो कुर्बान हुआ हमारी जगह उसने जुल्म सहा हमारी जगह उसने कोड़े और मार और थप्पड़ और थूक उसने सही हमारी जगह कील और नेजा उसने सहे हमारी जगह पेशियां उसने भुगती हमारी जगह बाप से जुदाई उसने सही हमारी वजह से हमारी गुनाहों की वजह से हमारी नाराजगियों की वजह से हमारी बदियों की वजह से खुदांद यसु मसीह पर जब हम ईमान रखते हैं कि उसने पोंतीस पिलातूस के अहद में दुख उठाया तो इस छोटे से जुमले में हम यस्सु मसीह को अपना इवजी सबस्टिट्यूट अपने रिप्लेसमेंट मानते हैं कि उसने हमारी जगह दुख सहे हम गुनाहगार हैं लेकिन हमारी जगह यस्सु ने मार खाई है कोई फर्जी कहानी नहीं यसु वो सचमुच उस हुक्मरान का नाम भी हम लेते हैं अपने अकीदे में क्या जरूरत थी इतने ालिम शख्स का नाम याद रखने की अकीदे में बाप खुदा यस्सु मसीह हकुत्स और मुकद्दसा मरियम के साथ सलीब का हुक्म जारी करने वाले का नाम भी हम लेते हैं क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की कुदरत है हम शर्माते नहीं हैं हम उस शख्स का नाम लेते हैं अपने अकीदे में अपने ईमान के इजहार में कि दुनिया जाने के सचमुच हमारा खुदामंद इस दुनिया में था बदन की हालत में उसने जिंदगी गुजारी और सचमुच उसे रोमी अदालत ने सताया दुख दिए तकलीफें दी और मौत की सजा दी यसू ने हमारी खातिर दुख सहा हम अपने ईमान के इजहार के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हैं यस्सू की बेगुनाही मानते हैं और उसका सताया जाना मानते हैं उसने मेरे लिए दुख उठाया के दुखों को कभी मत भूलिए वो मेरी और आपकी निजात के लिए थे एक ही बार उसने दुख उठा लिया है बार बार उसने दुख नहीं उठाना एक ही बार वो कुर्बान हो गया सबके गुनाहों के लिए और उसने मुआफी दस्तियाब कर दी है द फॉरगिवनेस इज अवेलेबल हमें सिर्फ कबूल करना है इकरार करते हुए खुदामंद मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनाहगार हूं तूने मेरे लिए दुख सहे जो दुख मुझे मिलना थे वो तूने सहे तू मुझे, मुझे मुआफ कर दे और जो मुआफी तूने बाप से हासिल की है हमारे लिए उसमें मुझे शरीक कर दे